तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो RDX 3050 है ना, उसके मामले में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, Legion 5 के बारे में प्लीज़ अब मत पूछना यार। Legion 5 कब आएगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल रही है। एंड सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन दूँ तो मैं इस मंथ के एंड तक मोस्ट प्रॉबली आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक तो हाईएस्ट आ ही जाना चाहिए। RDX 3050 एंड 5600 HQ में बात कर रहा हूँ। तो मार्केट में करंटली 4 ऐसे मॉडल्स अभी अवेलेबल है विद RDX 3050, एंड उसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सा ले। Asus TUF A15, Asus Strix जो कि अभी रिसेंटली आया है कुछ दिनों पहले, HP Victus 5600 H के साथ एंड Acer Nitro 5 5600 H एंड RDX 3050। So guys, इन चार लैपटॉप में से मैंने दो को तो ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है लिस्ट से। सबसे पहला है HP Victus जो कि मतलब बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है एंड प्राइस है 73 से लेकर 75-76,000 के आसपास। सो इससे अच्छा आप 75-77,000 में Asus TUF A15 ले सकते हो, काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा उससे बेटर है एंड उसमें आपको 144 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। सो HP Victus को मैं लिस्ट में नहीं रखूंगा, मतलब इतना अच्छा नहीं है क्योंकि और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। ऑल्सो Acer Nitro 5 को भी मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए, अभी आप मत लो क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है 80 से लेके 85,000 के आसपास ये लैपटॉप बिकता है एंड इसमें आपको जो GPU मिलता है उसकी TGP है जस्ट 80 वॉट की। तो बेटर देन दिस आप Asus Strix को ले सकते हैं जिसमें आपको फुल पावर्ड 95 वॉट TGP के साथ RDX 3050 मिलता है एंड उसकी प्राइस भी काफी बढ़िया है 83,000 रुपीज के आसपास। सो लेट्स बिगिन द कंपैरिजन बिटवीन Asus के ही दो लैपटॉप्स, Asus Strix एंड Asus TUF A15। तो दोनों ही लैपटॉप्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, 6 ऐसे मैंने पॉइंट्स को रखे हैं, अगर जो भी लैपटॉप इनमें बढ़िया होगा उन्हें मैं एक पॉइंट दूंगा। सो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहला पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। तो देखो डिजाइन वगैरह तो Asus Strix की काफी बढ़िया है, आपको यानी कि मतलब लैपटॉप के साइड में भी RGB लाइटिंग मिल जाती है, कीबोर्ड में भी आपको 4-zone RGB कीबोर्ड मिल जाता है। वेरस बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप यार काफी बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी सीरियसली गेमिंग कैटेगरी में ये दो लैपटॉप्स, स्पेशली जो टफ है जिस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप आता है, बिल्ड क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। फिर भी अगर लुक्स वाइज मैं सेलेक्ट करूंगा तो जो Asus Strix है उसे मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा। सो अगला जो पॉइंट है वो है डिस्प्ले के बारे में, एंड यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल मिलता है, 45% NTSC कलर गैमेट है एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही लैपटॉप्स को एक एक पॉइंट मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी जो Asus TUF है उसमें आपको 90 वॉट आर की बैटरी मिलती है, वेरास जो Asus Strix है वहां पे आपको सिर्फ 56 वॉट आर की बैटरी मिलती है। सो लगभग 40% का यहां पे आपको बैटरी कैपेसिटी में डिफरेंस मिलता है, ऑल्दो Asus Strix बीइंग एक्सपेंसिव उसमें आपको कम बैटरी मिलती है। हाँ, चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है, Asus TUF में आपको 180 वॉट का चार्जर मिलता है, वेरास जो Asus Strix है वहां पे आपको 200 वॉट का चार्जर मिलता है। सो बैटरी के मामले में Asus TUF के पास जाता है एक पॉइंट एंड Strix को मिलता है 0। सो अगला जो पॉइंट है दोनों में ही सेम है एग्जैक्टली, CPU आपको दोनों में ही मिलता है Ryzen का 4000 सीरीज वाला 4800H 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। अगर मैं कंपेयर करूँ लेटेस्ट 5000 सीरीज से तो ये जो प्राइस रेंज में आपको 4800H मिल रहा है, 5000 सीरीज में आपको सिर्फ 5600H मिलेगा जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है। सो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 5600H अप्रॉक्सीमेटली 10-12-15% तक बेटर है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में, बट मल्टी कोर परफॉर्मेंस में अभी भी जो 4800H है वो 10-15% बेटर है। सो आई would always prefer a better multi-core performance over a single core performance. So, अब बढ़ते हैं GPU की तरफ, जिसके बारे में मतलब है थोड़ा सा डाउट एंड कन्फ्यूजन्स, क्योंकि जो GPU आपको दोनों में मिलता है तो सेम ही RDX 3050 4GB वाला GPU मिलता है, बट TGP दोनों की अलग अलग है। Asus TUF A15 में आपको 75 वॉट की TGP मिलती है विच इज नॉट द मैक्सिमम, लेकिन Asus Strix में जो आपको GPU मिलता है वो आता है अपनी मैक्सिमम पावर के साथ, यानी कि 95 वॉट की TGP मिलती है इंक्लूडिंग 15 वॉट ऑफ डायनेमिक बूस्ट। तो सीधा सीधा यहाँ पे Asus Strix के पास एक और पॉइंट आ जाता है। तो फाइनली लास्ट पॉइंट जो है दैट इज बेस्ड ऑन गेमिंग एक्सपीरियंस एंड जो परफॉर्मेंस है कितना आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो GPU Asus Strix में है वो थोड़ा सा हाई पावर के साथ आता है, यानी कि 95 वॉट के TGP के साथ। तो यार गेम्स वगैरह तो मैंने खेले नहीं है क्योंकि लैपटॉप तो है नहीं मेरे पास, तो जो डेटा YouTube से एंड कुछ वेबसाइट से लाइक नोटबुक चेक, वहां पे जो भी मुझे डेटा वगैरह मिला है उसे कलेक्ट करके आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। तो यार उनके हिसाब से जो FPS में आपको डिफरेंस मिलेगा दैट इज 10-15%। सो अगर आपको 75 वॉट के TGP वाले GPU में 70 FPS मिल रहे हैं, तो जो 95 वॉट वाला TGP वाला GPU है तो उसमें आपको लगभग 75 से 80-82 FPS तक आपको इजीली मिल जाएंगे। सो कितना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस आपको 1650 एंड 1650 Ti में मिलता है, तो एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो भाई टेम्परेचर्स की बात करें तो Asus TUF को प्लीज हीटर बुलाना पहले तो बंद कर दो। लास्ट जनरेशन वाला जो लैपटॉप था डेफिनेटली काफी ज्यादा ही हीट होता था, बट
स्टिल लैपटॉप्स बने ही होते हैं यार टेम्परेचर को झेलने के लिए। बट ये जो मॉडल है इसमें जो थर्मल सिस्टम है यानी कि जो पीछे की तरफ वेंट्स है इतने ज्यादा भी नहीं खोले है बट स्टिल थोड़े से और ओपन करिए गए है, तो डेफिनेटली यार थर्मल सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है। बट स्टिल Asus TUF एंड Asus STIX को कंपेयर करें तो 2 से 4 कभी कभार इन सम गेम्स एंड इन सम सिनेरियोस 5% का डिफरेंस, 5 डिग्रीज का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो फाइनली बात यही है कि भाई जो Asus STIX है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर है क्योंकि प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा है तो बेटर तो होगा ही। सो एट लास्ट जो चीज है दैट इज द प्राइस, दोनों में कितना डिफरेंस है, लगभग 6 से 8 हजार रुपए का दोनों ही लैपटॉप में डिफरेंस है। जो Asus TUF है वो पहले बिक रहा था 75,000 में, अभी थोड़ी सी प्राइस बढ़ के हो चुकी है 77 के आसपास, एंड जो Asus STIX है उसकी प्राइस है 83,000 के आसपास। तो दोनों ही लैपटॉप्स अपने अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा अगर आपका बजट एकदम ही टाइट है और अगर आपको पैसे थोड़े बहुत बचाने हैं तो डेफिनेटली Asus TUF को आप ले सकते हैं। स्टिल बजट का कोई इशू नहीं है, आई हाईली रिकमेंड कि आप Asus TUF के साथ जाओ। तो 6 to 8,000 रुपीज अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको बेटर थर्मल्स मिलते हैं, बेटर TGP वाला GPU मिलता है, जो डिजाइन है यानी कि जो RGB लाइटिंग है वो भी काफी बढ़िया लगती है, तो वो भी एक एड ऑन फीचर हो जाता है Asus STIX में। तो अगर मेरे पास बजट होता तो डेफिनेटली मैं Asus STIX को ही बाय करता। सो दैट्स ऑल, उम्मीद है आपको ये जो आज का वीडियो है पसंद आया होगा, एंड थैंक यू अगेन हरी फॉर दिस वीडियोस एंड क्लिप्स, रियली हेल्पफुल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, ऑल्सो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।